आज हम लोग आए हैं विकास जी पाटीदार के खेत पे, गवली पलासिया के किसान हैं। ये लहसुन उगाई है इन्होंने। ये कितने बीघा है विकास भैया? 4 बीघा। 4 बीघा का खेत है। आइए जानकारी लेते हैं, क्या किया, कैसे किया। नमस्कार। तो ये कितने दिन में अपन ने निकाल ली लहसुन? कौन सी किस्म है, क्या क्या किया, कैसे उखड़ाते हैं, कैसे छटवाते हैं और क्या समस्याएं आती हैं और जो भी चीज़ें हैं अपन विस्तार से बताएं ताकि किसानों के काम आ जाइए। लहसुन है सर, ये 22 अक्टूबर के समथिंग में लगी थी और 12 फरवरी के दिन 110 दिन में तैयार की हुई लहसुन है। छोटे की किस्म है, 110 दिन में वेक्टर विधि से तैयार की हुई। कुछ ज़रूरत पड़ने पे ही सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट फंगिसाइड लिया, बाकी पूरी तरीके से तैयार। मतलब फफूंद नाशी एक या दो बार ही डले हैं? सिर्फ दो बार। दो बार डले हैं, ठीक है। तो डालना पड़ा। बेसल में क्या डाला था अपन ने? बेसल में सर बहुत पोषण करके माइक्रोन्यूट्रेन 13045 और 052। ये बेसल में भी डाला था 5234 वगैरह। अच्छा, गोबर खाद वगैरह? गोबर खाद सर, न्यूनतम गोबर खाद कम से कम 1 बीघे का 5 से 7 क्विंटल चला गया। बीज उपचार सर मित्र सूक्ष्म जीव जो रहते हैं उनसे ही किया था और उनके ही आधार पे बाय रोटेट पद्धति जो उनकी है, एक के बाद जो डलना है उन चीज़ों को अपडेट चलते रहा। परंतु खास फर्क इसमें मुझे दिखा आखिरी के 2 पानी में के वेक्टर साथ में लेने से। के वेक्टर और वाटर सोलेबल खाद 045 और 052, मैग्नीशियम सल्फेट उनका 2 बार स्प्रे हुआ, ज़मीन से भी गए। यूरिया कितना डला आपने खेत में? सर यूरिया तो मिनिमम ही डला है इसमें। मिनिमम फिर भी बीघे का कितना? 15 से 17 किलो बीघे का डला। यूरिया का कम इस्तेमाल किया सर। और दूसरा अमोनियम सल्फेट, लहसुन वाले बोलते हैं कि इसके बिना लहसुन नहीं होती है। अमोनियम सल्फेट कितना डला? बिल्कुल भी नहीं डाला। अच्छा, आखिरी में भी नहीं डाला? नहीं नहीं, उखाड़ते समय नहीं। 13045 052 मैग्नीशियम सल्फेट और के वेक्टर, हाँ, ये आखिरी के दो बार ये आखिरी में डाले। हाँ, और आखिरी में पानी कितने दिन में दिया है अपन ने? क्या तान दी है आखिरी में इसको? इसको सर 70 दिन के बाद में पानी में तान बिल्कुल भी नहीं दिया। इसके पहले 12 से 14 दिन में पानी दिया, 70 दिन के बाद तो 7 से 8 दिन पानी दिया। हाँ, इस साल 3-4 बारिश भी झेली है ये। जी, आपको कुछ खास बात और बताना चाहेंगे इसमें, कुछ अलग किया हो आपने दूसरों से? खास तो क्या सर, वेक्टर विधि से, वेक्टर विधि के सूक्ष्म जीवों से तैयार की हुई लहसुन है। काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिल रहा है। कट्टे कितने भरते हैं वो तो ठीक है। तो उत्पादन की बात हो गई, समस्याएं क्या आती हैं इसमें? कुछ स्पेशल समस्या जैसे थ्रिप्स हो गई या तो फिर फंगस आती है क्या ज़्यादा? थ्रिप्स है एक जड़ का, मतलब गलन रोग जो बोलते हैं। हाँ, पर आपकी जड़ों में तो ऐसा दिख नहीं रहा, ये जड़ें सही सलामत ही लग रही हैं कटने के बाद? डबल मजदूरी लगी सर निकालने में, जड़ें इतनी सलामत थी। हाँ लेकिन बनने के बाद में भी जड़ें देखो खत्म नहीं है। चार दिन हो गए सर इसको, 4 दिन उखाड़ के रखा हुआ है ना। हार्वेस्टिंग के बारे में बताइए। से अपन ने इसको सीधे उखाड़ लिया है। जी, उखाड़ने के बाद क्या करते हैं फिर अपन? उखाड़ने के बाद में इस तरीके से पतली तरीके से इसको 4 दिन तक रख देते। चौथे दिन, हाँ, आज 5वें दिन इसकी कटिंग हो रही है। हाँ, आज कटिंग होने के बाद में इसकी चलवाई मतलब ग्रेडिंग है ना? ग्रेडिंग करवा के, हाँ,
इस तरीके की साइज बनी। ये अपन ने काट के इसको फैला दिया है। जी सर, काट के ग्रेडिंग होकर तैयार किया हो माल। ये कौन सा ग्रेड कहेंगे इसको? एक नंबर। जी सर, एक नंबर, डेढ़ बाई डेढ़। अच्छा, ये चलना भी दिखाइए आपका कैसा है, डेढ़ बाई डेढ़ का। ये तने वगैरह तो बड़े मजबूत दिख रहे हैं आपके। ये कितने नंबर का है? ये सर डेढ़ बाई डेढ़, एक नंबर। एक नंबर, एक बार इससे छानेगा है ना, फिर इससे जो मटेरियल निकलेगा इसको वापिस अपन छानेंगे। जी सर, एक इंच, एक इंच। और ये तीन ग्रेड बनेगी है ना, एक उधर देखिए दूसरे नंबर की ग्रेड ये है जी, और तीसरी इस पल्ली में है। जी सर, है ना, ठीक है। तो ये मतलब सबसे लोअर क्वालिटी है। हाँ, इसके अंदर देखिए कैसी है। अच्छा, ये सबसे लोअर क्वालिटी की ग्रेड। इसमें सिंगल दाने की भी लहसुन होती है क्या? जी सर, ये मतलब वो जो बनती नहीं है। हाँ हाँ, बड़ी लहसुन के पास में रह जाती है। हाँ, तो ये कुछ घना बोने से भी ये समस्या आती है। अच्छा, उगने में जाती है। अच्छा, ये सेकेंड का माल। जी सर, और ये खास दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये सर उखड़ने में जो टूटी हुई लहसुन है। अच्छा, रात्रि बोलते हैं हम तो, रात्रि। इसमें कलियाँ ज़्यादा चटक जाती हैं। जी जी जी, इसमें क्या पौधे में कुंवारे टाइप में निकल आते हैं। हाँ, जैसे ही उसको पकड़ के निकालते हैं। हाँ, पौधा हाथ में आ जाता है और जैसे नीचे रह जाता है। हाँ, कुदाली के माध्यम से भी इसको निकाल लेते हैं। हाँ, तो ये दात्री, इसका क्या भाव कम वगैरह मिलता है क्या? नहीं 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 सर, ये तो ग्रेडिंग अलग बना देते हैं कि वो ग्रेड एक अच्छा रहे। वो एक नंबर हो गया है ना, ये सेम रेट बिकता है ये? सेम सेम, लगभग लगभग सेम ही बिकता है। अच्छा, तो इसमें से दात्री अभी अलग करेंगे है ना? जी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया विकास भैया, आपसे अच्छी जानकारी मिली, किसानों के बहुत काम आएगी ये। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।